सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य की महती आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ आचरण। ब्रह्मचर्य के बल पर ही कोई भी व्यक्ति किसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। वो चाहे व्यवहारिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, ब्रह्मचर्य के अभाव में वो व्यक्ति किसी भी दिशा में पूरी तरह से सफल हो ही नहीं सकता है। और फिर मन की शांति प्राप्त करने के लिए तो ब्रह्मचर्य के अभाव में कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि हमारा मन शांत हो जाए। तो ब्रह्मचर्य है क्या चीज़? ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं जो उसका हम पालन करें? ब्रह्मचर्य का तो खास अर्थ होता है श्रेष्ठ आचरण। ब्रह्म माने श्रेष्ठ, चर्य माने आचरण। श्रेष्ठ आचरण हमारे मन तथा इंद्रियों के द्वारा जो भी व्यवहार किए जाते हैं उसमें सब प्रकार से पवित्रता का आ जाना, यही श्रेष्ठ आचरण है। लेकिन जो रूढ़ अर्थ बताया गया है ब्रह्मचर्य का, वह है कि मन का और इंद्रियों का किसी विषय में पतित ना होना। और उसमें भी विशेष अर्थ लगाया गया है कि स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण को लेकर के हमारे शरीर से बारंबार वीर्य का विसर्जन होते रहना, ये ब्रह्मचर्यहीनता है। और इसी को जब पूरी तरह से कोई साध लेता है व्यक्ति, शारीरिक, मानसिक और पूरी हमारे इंद्रियों में जब पवित्रता आ जाती है, तब यही है श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य। हमारे शरीर में सप्त धातुएं हैं, सात प्रकार की धातु। वह है रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सातों का बड़ा महत्व है। सबसे प्रथम धातु है रस। जो कुछ भी हम खाते हैं, अनाज, फल, फूल, मेवे आदि, उससे सबसे पहले रस बनता है। रस बनने में भी समय लगता है, 2 से 3 दिन तक तो समय लग ही जाता है रस बनने में। और फिर उसके पश्चात रक्त में वही रस रूपांतरित होता है। बहुत कुछ खाने के बाद थोड़ा सा रस बनता है, और उस रस से भी बहुत रस से थोड़ा सा रक्त बनता है, और फिर उस रक्त से कई दिनों के बाद वो मांस में रूपांतरित होता है। मांस शरीर में हमारे मांस जो होता है वो रक्त से ही तैयार होता है। और मांस के बाद फिर मैदा। मैदा होती है हड्डियों में जो चिकनाई, हड्डियों में जो जोड़ों में हमें चलने फिरने, दौड़ने, उठने बैठने में सहयोग मिलता है, वही है मैदा। और वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर मैदा से हड्डियां बनती हैं, और हड्डियों के अंदर काफ़ी जगहें होती हैं, उनमें मज्जा भरी होती है, और वो हड्डियों को मजबूत बनाती हैं तथा क्रियाशील बनाती हैं। और उसके पश्चात फिर शुक्र। शुक्र का मतलब ही होता है शरीर की वो चीज़ें कि जिससे पूरे शरीर में ताजगी, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मानसिक ओज, ये सब का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये सात धातुएं हमारे जीवन में होती हैं, और इन सातों का बड़ा महत्व है। अंतिम में शुक्र, जिसे हम वीर्य कहते हैं, इसका निर्माण होता है। और ये हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है, और उस वीर्य को नष्ट करने में लोग आज देरी नहीं करते। थोड़ी थोड़ी बातों में, व्यवहार में, इच्छाओं, कामनाओं में, उद्वेगों में, चंचलता में पड़ करके उसको आए दिन नष्ट करते रहते हैं। सोचिए कि जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में, और इसको जब हम ऐसे नष्ट करते रहेंगे, तो ये वैसे ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारा दूध इकट्ठा करे
और दूध से दही तैयार करें और उस दही से मक्खन निकाल करके घी तैयार करें, और जब घी तैयार हो जाए तो उस घी को ले जा करके नाली में डाल दें। बस ऐसे ही हमारी सारी प्रोग्रामिंग होती है। हमारे जीवन में जितना हम खाते पीते हैं, एक तरफ तो चाहते हैं कि हम अच्छे मन वाले बने, अच्छे तन वाले बने, अच्छे स्वभाव वाले बने, और दूसरी तरफ जो हमारे तन मन और स्वभाव का सार है उन सबको नष्ट करने में हम लगे हुए हैं, जानबूझ करके अपनी उत्तेजना और आसक्ति के वश में पड़ करके। तो सोचो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो फिर हम मन से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, और फिर समाज में, परिवार में, अपने जीवन में हम कैसे सब प्रकार से आत्मशांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य की महती आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य के बल पर ही कोई व्यक्ति अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा किसान हो सकता है, अच्छा व्यापारी और अच्छा विद्यार्थी हो सकता है, नारियां अच्छी गृहिणी हो सकती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, और आज तो जानबूझ करके लोग ब्रह्मचर्य को नष्ट करने में लगे रहते हैं और अपनी इस मानसिक उत्तेजना, मानसिक खुजली में पड़ करके अपने से ही अपनी शक्ति का छीड़ करते हैं, और ये शक्ति की छीणता अपनी ही हत्या करना है। और एक तरफ हम चाहते हैं कि हम सुखी बने, सुखी जीवन वाले बने, हम अपने सुख को नष्ट करते हैं। जो हमारी शरीर की इतनी महत्वपूर्ण चीज है उसको हम रोज रोज नष्ट करते रहेंगे तो हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपनी इस भूल को पहचाने कि ये हमारे सुख नहीं महादुख का आमंत्रण है। जिस मानसिक उत्तेजना में थोड़ा सा मन में एक बौखलाहट आती है, खुजली आती है, और उसमें पढ़ करके हम अपनी शक्ति को छीण कर देते हैं, और इससे सामाजिक पतन, नैतिक पतन, आत्मिक पतन होता है। ऐसा नहीं कि उसमें पढ़ करके हमें केवल सुखानुभूति ही होती है, उसके पश्चात मन की क्या दशा होती है अनुभव होगा आपको। इसलिए इस मन की गंदी आदत का त्याग करना ही चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये कुछ ऐसी आदत बन गई है कि ये स्वाभाविक जैसी हो गई है, अब इसको छोड़ पाना बड़ा कठिन है। आप गलत नहीं कह रहे हैं, सच है। कोई भी गंदी आदत बनने में देरी नहीं लगती, लेकिन बन जाने के बाद छोड़ने में बड़ी मेहनत पड़ती है। लेकिन मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता? मेहनत कीजिए, उसके लिए लगन रखिए, उत्साह और तत्परता रखिए, और उसको महत्व दीजिए, और उसके विरोधी तत्वों से आप दूर होइए। अगर आपके जीवन में बारंबार काम वासना आती है, मनोविकार आते हैं, ब्रह्मचर्यहीनता आती है, स्वप्न दोष होते हैं, और मन में बारंबार रात दिन वही सोचते रहते हैं, तो उससे निकलिए। सबसे पहले इसके लिए खान पान, रहन सहन और संग कुसंग का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। इसके भी अपने नियम हैं। इस नियम का अगर पालन नहीं किया जाएगा तो मनुष्य कभी भी इससे उबर नहीं सकता है। ये 11-12 साल की उम्र से ही शुरू होती है ये मन की ऊष्मा। एक बचपन में 11 साल से ही शरीर में एक ऊष्मा तैयार होती है, और वो ब्रह्मचर्य का ही महत्व उसमें होता है, और उससे फिर अंग मिलन की चेष्टा होती है। जन्मों जन्मों के हर इंसान के मन में संस्कार हैं, और उन संस्कारों के तहत अंग मिलन की चेष्टा होती है, लड़का को लड़की से और लड़की को लड़का से, और इस चेष्टा से एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण की चीज वैसे तो कुछ नहीं है, शरीर में है क्या? जिस शरीर में हाड़, मांस, चाम, मल, मूत्र, थूक, खखार, बाल, पसीना, रोम और लार, बलगम और मैदा, मांस, मज्जा आदि सब भरे हुए हैं, इनमें कौन सी चीज आकर्षण की है? किसमें हम प्रियता मान करके इसको देखें? कहीं बाल पड़ा हो उसको उठा करके देखो, कितना प्रिय लगेगा। भोजन में बाल गिर जाए तो भोजन ही छोड़ दिया जाता है। क्या उसको, बाल को अपने बिस्तर पर
कहीं से ला करके हम बिखेर सकते हैं, कितना गंदा है। जिस शरीर में गंदगी थूक लार भरे हुए हैं, वो किसी की थोड़ी सी लार हमारे बिस्तर पर हमारी थाली में टपक जाए तो उसको हम खाना नहीं चाहते हैं, भोजन को। हमारे शरीर पर कोई पसीना रगड़ दे तो कितना बदरूप लगता है और मन में घृणा उत्पन्न होती है। फिर ऐसे गंदे और विभत्स पदार्थों से भरे हुए शरीर में, चाहे हमारा शरीर हो या दूसरे का शरीर हो, उसमें कौन सी आकर्षण की चीज़ है? और उसी शरीर में आकर्षित होकर के हम काम वासना के वशीभूत होते हैं और जिससे अपने तन मन दोनों को बर्बाद करते हैं। इसलिए हमको विचार करना चाहिए, कुचिंतन के कारण और सद्विचार के अभाव में हमारे मन में ये मनोविकार उत्पन्न होते हैं। और इस मनोविकार का परिणाम होता है कि हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक, नैतिक सब प्रकार से गिर जाते हैं। अगर इससे हमें बचना है तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम खान पान में सावधान रहें, अधिक नमक ना खाएं, सादा भोजन होना चाहिए, हल्का नमक खाएं। ज़्यादा नमक खाने वाले अपने मन को संभाल नहीं सकते और उनके शरीर से भी वो ब्रह्मचर्य मजबूत नहीं हो सकता है। अधिक मिर्च मसाले ना खाएं, गरम मसाले जो खाते हैं, तेज लाल मिर्च खाने की जिनकी आदत होती है, वे भी रात्रि में सोते समय उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। ज़्यादा भोजन ना लें, भूख से थोड़ा कम खाएं। जो ठूस ठूस करके पेट भर खाएगा और फिर उसको कब्ज होगी, शरीर में अन्य भी रोग होंगे और फिर ब्रह्मचर्य तो उसका पुष्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए हल्का भोजन होना चाहिए, अत्यंत खट्टी चीज़ें ना खाएं, जैसे आम की, इमली की या करौंधे की, अन्य कई चीज़ों की चटनी होती है। अब इन चटनी को खाने के लिए आप खूब खट्टी खट्टी ठीक से खा लेंगे तो भी आप अपने ब्रह्मचर्य को नहीं संभाल पाएंगे। रात्रि में स्वाभाविक आपकी वो दशा होगी कि ब्रह्मचर्य नष्ट होता रहेगा। इसलिए चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, इन सबके लिए अत्यंत इन चीज़ों की सावधानी की आवश्यकता है। अंडा मांस खाने वाले इन चीज़ों से कभी बच नहीं सकते हैं, उनके जीवन में ये दोष रहेगा ही, क्योंकि इसमें वैसे ही गंदगी होती है, मन की पवित्रता हो ही नहीं सकती है, उत्तेजना होती ही है, तेजाब होता है, गर्म होते हैं ये, और शरीर में विकारी तत्व तैयार करके, मन को विकारी बना करके वो हमारे आंतरिक जो ओज है, शक्ति है, ब्रह्मचर्य की जो शक्ति, उसको छीण करने के लिए बहुत बड़े कारण हैं। इसलिए अंडा मांस आदि का तो बिल्कुल त्याग होना ही चाहिए। एक सभ्य इंसान भी इन चीज़ों को नहीं खा सकता है, फिर जो साधना में आगे बढ़ना चाहे वो इनके बारे में सोच भी कैसे सकता है। शराब पान अपने आप में एक बहुत घृणित और गंदी चीज़ है और ये शरीर के नस नाड़ियों को उत्तेजित करके कमज़ोर बनाता है और मूल चीज़ों को नष्ट करता है। फिर इनका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसका त्याग करें। कुसंग का त्याग हो, जो नारी हैं वो पुरुषों से बच करके रहें। जहाँ पर पुरुषों का ज़्यादा रहना बसना होता है और उन्हीं की निकटता रखेंगी तो फिर वे अपने आप में संतुलित नहीं रह सकती हैं। इसी प्रकार पुरुष साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह नारियों से दूर रहें और उनकी निकटता से, उनकी हावभाव से, उनकी अनेक क्रियाओं को देखने, उनके वस्त्राभूषणों से प्रियता जमाने, मतलब हर प्रकार से जब कुसंग का त्याग होगा तभी हम अपने मन को ठोस और मजबूत बना सकते हैं। और अधिक सोने वाला, जो व्यक्ति 6 बजे 8 बजे तक सोता रहेगा निश्चित है वो अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत नहीं कर सकता है। अक्सर ये नियम होता है कि जो व्यक्ति 4 बजे उठ जाएगा और रात्रि में 10 से 10:30 के अंदर ही 10 बजे तक जो सो जाएगा और कड़ी मेहनत करेगा, अच्छे विचार रखेगा, उसके जीवन में ये दोष आने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों को हमें मजबूत बनाना चाहिए और यही हमारी असली ताकत है। और जिस वीर्य की शक्ति से एक नए जीवन
का प्रादुर्भाव होता है और वही को अगर हम बारंबार नष्ट करते रहेंगे जो हमारे शरीर की मूल चीज़ है, तो फिर उससे शरीर भी कभी नहीं स्वस्थ हो सकता और मन तो स्वस्थ हो ही नहीं सकता। शरीर का स्वास्थ्य यह नहीं है कि उसमें अधिक मांस का चढ़ जाना और खूब नसें निकल आना, खूब मोटा हो जाना। शरीर की असली ताकत है कि संकल्प, हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति। और जिसके मन में ये दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है, मनोद्वेगों को छोड़ने के लिए, कुसंग से हटने के लिए, दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचने के लिए और अपने गंदे स्वभावों को त्यागने के लिए ये संकल्प शक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है, वो कमज़ोर ही है। भले शरीर में बहुत ताकत है, लेकिन अगर उसके मन में संकल्प शक्ति नहीं है, तो किसी भी दिशा में, वो भौतिक क्षेत्र में, व्यवहार व्यापार में और अपने परिवार में भी वो कभी दृढ़ संकल्प या ठोस कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए हमें अपने मन की मजबूती के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने 4 आश्रमों की स्थापना की है, जिसमें मुख्य और सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य माना गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है कि बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल के हो गए, तो फिर उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था और वहाँ जा कर के 25 वर्ष की अवस्था तक गुरुजनों से ज्ञान, विवेक, विचार और शिक्षा, विद्या और जीवन व्यवहार की अनेक बातों में वे निपुण होते थे और वे पढ़ते सीखते थे और इस उम्र में अपने जीवन में भी वो खूब मजबूत हो जाते थे, अपने स्वभाव, सद्गुण, सदाचार में भी प्रवीण हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में फिर उनका जीवन अपने आप अच्छा होता था। यही है जीवन को बनाने और बिगाड़ने की उम्र। इसी उम्र में जब कोई सजग सावधान हो करके रहता है, तो उसका जीवन ऊपर उठ जाता है, कल्याण के क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाता है, सुखी जीवन वो जीता है फिर। और इसी उम्र में लापरवाह हुआ, कुसंग का सेवन किया और गलत रहन सहन, खान पान, आचरण अपनाया, तो पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी सारी नींव ही कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इस उम्र को बड़ी सावधानी से जीना चाहिए। नवयुवक और नवयुवतियाँ इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें कि उनकी ये शुरुआती ज़िंदगी मकान में जैसे नींव होती है, वैसे हमारी जीवन की ये नींव है प्रथम अवस्था। और इसी उम्र में वे चाहे पढ़ लिख करके, भक्ति, सत्संग, साधना, त्याग, तप, संयम अपना करके अपने जीवन को महान बना लें, और चाहे दोष, दुर्गुण, दुराचार और दुर्व्यसनों में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर डालें और ज़िंदगी भर रोते रहें फिर। इसलिए सजग और सावधान होकर के जीवन को जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अभाव में व्यक्ति सब समय उदास, मायूस और अप्रसन्न बना रहता है। चाहे जितना वो धन, संपत्ति, रुपए, पैसे, जमीन, मकान और बाह्य ऐश्वर्यों से संपन्न हो, लेकिन अगर उसके जीवन में सच्चरित्रता नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है और प्राकृतिक ढंग से किसी न किसी ढंग से वो अपने आप को पतित करता रहता है, तो वो कैसे प्रसन्न रहेगा? ये नियम ही नहीं है कि वो चीज़ों से, रुपए से, पैसे से, खान पान से और सुविधाओं से नहीं रह सकता है। उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि वो उसको कभी सुखी बना ही नहीं सकती है। वो भयभीत, चिंतित रहेगा और उसकी आंखें धंसी धंसी बनी रहेंगी, कमर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द बना ही रहेगा, अनेक दोष दुर्गुण उसके अंदर और उपजते ही रहेंगे। ऐसा व्यक्ति तो सब समय आत्महत्या करने के लिए, अपने जीवन को ही मिटाने के लिए सोचता रहता है और आए दिन वो बेचैनी का अनुभव करता रहता है। इसलिए सुखी जीवन जीना है अगर, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। और जो मैंने बताया कि अगर सुखी जीवन जीना है, तो पूर्व की सावधानियाँ जैसे खान पान, निद्रा आदि की तो सावधानी रखें। वर्तमान में आज जो मोबाइल, टीवी आदि का ज़्यादा उपयोग हो रहा है,
यह भी हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का बहुत बड़ा कारण है। इनसे भी सावधान होने की ज़रूरत है। जो इनसे सावधान नहीं रहेगा वह भी अपने जीवन को कभी खुशहाल नहीं बना सकता है, क्योंकि मन में तो वो कीड़े कुलबुला ही रहे हैं मलिनता के और मनोविकारों के, वासनाओं के, और उनको रख करके वो किसी न किसी ढंग से अपने आप को कमज़ोर बनाता ही रहेगा रोज़ रोज़, और वो अपने जीवन को छीण करता रहेगा, और वो चाह करके भी नहीं अपने आप को संभाल सकता है। ये एक व्यवस्था है, बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए हर इंसान को इस वासना से ऊपर उठ करके किसी उपासना में लगना चाहिए। हमारे मन की एक शक्ति है जो वासना के रूप में जागृत होती है, जो अज्ञान और अविद्या की उपज है। इसी शक्ति को मार्गांतरीकरण करके अगर हम किसी बोधमान, वैराग्यमान, आत्मलीन, सच्चे गुरु और संतों की उपासना में लगा दें, और फिर आत्मबोध में हम ठहरने लगें, अपने आप को पहचानने लगें, और संयम साधना करके भक्ति ज्ञान का आधार लेकर के जीवन को हम क्रमशः आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने लग जाएंगे, तो हमारा जो जीवन वासनाओं की ओर जाकर के घोर अंधकार, अविद्या और दुख के गड्ढे में गिरने वाला है, वो आत्मकल्याण की परम ऊंचाई पर पहुंच सकता है। और जिस जीवन में अशांति, क्लेश और पीड़ा का अनुभव रात दिन होता है, उसी जीवन में परम शांति, प्रसन्नता, संतोष और निरंतर मन की जो एकरस वृत्ति आनंद की, वो बनी रह सकती है। इसलिए हम सबको वासनाओं से उठ करके उपासना में लगना चाहिए, और वो उपासना किसी दैवी शक्ति की नहीं, वो बाहरी कोई दैवी शक्ति नहीं है किसी नाम रूप के आधार में। वो दैवी शक्ति सबके अंदर है, आपके अंदर है, और वो आप अपने आप को पहचानिए। लेकिन अपने आप को पहचानने के लिए हमें किसी वितराग संत गुरु की आवश्यकता है, उनका आधार लेकर के, उनके द्वारा सीख समझ करके और सत्संग लेकर के हम अपने जीवन को बदलें, और अपने कल्याण को पहचान करके हम इस विनाशकारी जो ब्रह्मचर्यहीन अवस्था है, इससे ऊपर उठकर आत्म कल्याण का काम करें। बस।